नमस्कार, स्वागत है आपके प्रिय चैनल में। आज मैं क्रोध के विषय में बात करूंगी। क्रोध से कैसे बचते हैं उसका मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुने, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करें मेरा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं क्रोध से कैसे बचें। क्रोध करना कमजोरी, हीनता, विवशता और दुर्लभता मानसिकता का सूचक होता है। इसलिए कमजोर को ज़्यादा क्रोध आता है। जब किसी का वश नहीं चलता तब उसे क्रोध आता है। जब अपनी मनमानी युक्त काम नहीं होता तब उसे क्रोध आता है। अच्छी भली स्थिति में क्रोध नहीं आता। जो विवेक से युक्त, गंभीर हृदय और दूरदर्शी होते हैं उन्हें क्रोध नहीं आता। जिनका हृदय प्रेम, करुणा, आत्मीयता और मातृत्व के भाव से भरा होता है उन्हें क्रोध नहीं आता। जो सही मायने में मानवीय गुणों से युक्त होते हैं उनको क्रोध नहीं आता। जरा गहरे से सोचें तो क्रोध करने से सिवाय हानि के कोई लाभ नहीं होता। सिवाय बिगाड़ होने के बनता कुछ नहीं, वरना क्रोध के बाद पश्चाताप ना होता। इसके प्रभाव से शरीर में पित्त कुपित होता है, एसिडिटी बढ़ती है, भूख और निंद्रा का नाश होता है। क्रोध का जन्म अविवेक से और अंत पश्चाताप से होता है, क्योंकि विवेक तो हो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। क्रोध हुआ तो इसका मतलब है कि विवेकहीनता होना। विवेकहीन होकर क्रोध के वश में हो जाने से अच्छे बुरे का बोध नहीं रहता, और क्रोधी वैसा ही काम कर बैठता है जैसा दरअसल वह चाहता तो नहीं था पर कर बैठता है। इसके लिए वह बाद में बहुत पश्चाताप करता है और जीवन भर खून के आंसू रोता है। क्रोध के वश होने वाले ने बड़े भयानक और विनाशकारी काम किए हैं और बाद में तड़पे हैं, रोए हैं, पश्चाताप किए हैं, लेकिन फिर पछताने से होता क्या है। क्रोध से बचने का सबसे सरल उपाय यह है कि जब भी किसी को क्रोध आए तो उस समय वहाँ से हट जाए और क्रोध को स्थगित कर रखते हैं। जैसे सुबह के वक्त क्रोध आता है तो शाम तक आप उसे स्थगित कर दें, तत्काल आवेश में ना आए। अगर शाम को क्रोध आता है तो अगले दिन सुबह के लिए स्थगित कर दें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपने 2-3 घंटे के लिए क्रोध टालना शुरू कर दिया है। बाद में आप खुद यह सोचकर अपने आप पर और अपने विवेक अविवेक पर हंसेंगे कि मैं भी कैसी मूर्खता पूर्वक बातें करता था। क्रोध दूध के उफान की तरह एकदम भभकता है। यदि से आवेश की भभक में बह गए तो बहते चले जाएंगे। यदि विवेक और धैर्य की 4 शीतल छींटे डाल देंगे तो दूध की तरह क्रोध का उफान भी शांत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप सभी को क्रोध से बचना है और इस वीडियो को ध्यान से सुने और अब कैसे स्थगित करना है क्रोध को, और इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मैं इसी तरह की आप वीडियो बनाती रहूँगी और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।